क्या दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर किसी कॉन्टेक्ट या किसी मोबाइल नंबर को डिलीट करना चाहते हो तो किस प्रकार कर सकते हैं, हम आज के इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आप इसी वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको मैं सरल भाषा में बताऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर किसी भी कॉन्टेक्ट को डिलीट करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइबर जरूर कर देना। उसके बाद गाइस आपके पास में कौन सा भी व्हाट्सएप होगा उस व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में किसी भी व्हाट्सएप में किसी भी कॉन्टेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो गाइस आपको यहाँ पर बाहर आ जाना और जिस भी कॉन्टेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हो उसको आपको फ्रेश करके रखना। जैसे दोस्तों उसको फ्रेश करके रखोगे तो गाइस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा डिलीट का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे जैसे हम कॉन्टेक्ट पे डिलीट कर रहे हैं तो इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा। तो गाइस आप अपने मोबाइल में आप किसी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो गाइस उसने फोटो या वीडियो आपको सेंड किया होगा वो आपकी गैलरी में सेव हो रहे होंगे, उसका आपको डिलीट करना चाहते हो तो गाइस आपको चिक बार पर अलाउ कर लेना। अलाउ करने में आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर लेना, आपके मोबाइल में वीडियो फोटो होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। यानी इस कॉन्टेक्ट के द्वारा जो फोटो वीडियो होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ पर फोटो वीडियो को डिलीट नहीं करना, ओनली कॉन्टेक्ट नंबर को डिलीट करना है तो गैस इस चेक बॉक्स को अनचेक कर लेना और गैस आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक कर लोगे अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर किसी कॉन्टेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो फाइनली गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।